वाह, मेरे मोगरा में इतने सारे फूल। क्या आपके भी मोगरे में इतने सारे फूल आते हैं? आगे की वीडियो में देखते हैं मोगरे पर इतने सारे फूल कैसे पाए। और हमारा पौधा कुछ लैगी लैगी सा लग रहा है, लेकिन हमने इसको कट नहीं किया क्योंकि हमारा मन नहीं करता। क्या आपका मन करता है अपने पौधे को कट करने का? हमारा मन तो करता नहीं है इतने बड़े पौधे को कट करने का। इतना लालच आ जाता है एक एक पत्ती के स्टेम को कट करने में। लेकिन इस प्लांट के बारे में पूरी नॉलेज हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। आगे की वीडियो में इस प्लांट के बारे में पूरी नॉलेज ले लीजिए, देख लीजिए कि कैसे इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग आएगी, कैसे हम इसको ट्रीट करेंगे, कब ये ग्रो करता है, कैसे कैसे इसको हमें पालना है। सबसे पहले बात करते हैं वैरायटी के बारे में। देसी मोगरा होता है जिसकी पत्तियाँ थोड़ी गोल होती हैं, फूल दोनों में सेम से ही होते हैं, थोड़े कम पेटल्स के होते हैं। हाइब्रिड मोगरा होता है, उसकी पत्तियों में कॉर्नर होते हैं, फूलों की पत्तियाँ थोड़ी ज़्यादा होती हैं, घनी होती हैं, लेकिन खुशबू दोनों में सेम होती है। लेकिन मैं तो देसी पसंद करती हूँ क्योंकि हाइब्रिड वाले पौधों के नखरे बहुत हैं। अब बात करते हैं इसको ग्रो कैसे करते हैं। वैसे तो हम इसको नर्सरी से लाकर आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को एक्सपेरिमेंट करने की बहुत आदत होती है, तो ये प्लांट कटिंग से लगाया जा सकता है। जिनको एक्सपेरिमेंट्स करने हैं कि कटिंग से ही ग्रो करना है या किसी को फ्री में लगाना है, तो आप कटिंग से ग्रो करिए। यदि आपके पास पास कोई बड़ा सा पेड़ सा हो या फिर कोई अच्छा सा हेल्दी सा पौधा हो, तो आप वहाँ से एक स्टेम ले आइए, अच्छे से काट कर लाए, खींचा खाँची करके बिल्कुल भी मत लाइए, उससे हमारा पौधा ख़राब हो जाता है। इसलिए हमें अच्छे से एक कटर रख लेना है, हमेशा अपने पर्स में रखिए। कहीं जा रहे हैं जहाँ कोई पौधा मिला उसकी कटिंग चाहिए तो कट की और आराम से ले आए। लेकिन ये कटिंग हम सिर्फ बरसात में ही लगा सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे से वो ग्रो हो जाती है, उसके चांसेस भी रहते हैं। अदर मौसम में तो हमारी कटिंग ज़्यादातर फेल ही हो जाती हैं। बहुत एक्सपर्ट लोग हैं जो बहुत अच्छे से केयर कर लेते हैं, उनकी ग्रो हो जाती है। अब बात करते हैं रिपोर्टिंग की। रिपोर्टिंग कैसे करनी है? नर्सरी से लाइए, पौधे को 4-5 दिन के लिए घर में रखे रहने दीजिए। जब वो अपने सारे पौधों में घुल मिल जाएगा, दोस्ती कर लेगा, उसके बाद हमको इसे रिपोर्ट करना है। जब सारे पौधों से दोस्ती हो जाएगी तो हम उसको वहीं पर शिफ्ट कर देंगे। जब हम उसे रिपोर्ट करेंगे तो उसे गुस्सा नहीं आएगा और वो अच्छा भरा हरा भरा रहेगा। लेकिन बहुत तेज़ गर्मी हो तो कभी भी रिपोर्ट मत करिएगा, हमेशा फरवरी मार्च के महीने में या बरसात के महीने में ला कर इसको रिपोर्ट करिए। और ये देखिए मेरे पौधे में कितनी सारी कलियाँ आ गई हैं, हैप्पी हो गया है मेरा प्लांट, सभी के साथ घुल मिल गया है, उसका मन लग गया है। लेकिन मैंने अपनी सारी कलियों को काट दिया। जब मैं पौधा लेकर आई थी तो मेरा पौधा थोड़ा सा वीक था, क्योंकि हमारी नर्सरी में ना हाइब्रिड ही ज़्यादा मिल रहे थे, एक ही मिला था देसी, और मुझे देसी लाना था। अब हमें इसको कट करना है, और कट करेंगे तो हमारे इस पर बहुत सारे स्टेम आएंगी और बहुत सारे फूल खिलेंगे। तो ज़्यादा फूल पाने के लिए सबसे पहला काम तो है कि कट कर दीजिए, लेकिन कलियों को कट मत करिए। ये कलियाँ तो मैं इसलिए कट कर रही हूँ क्योंकि मेरा प्लांट थोड़ा सा वीक है और मुझे उसको हेल्दी बनाना है। कलियाँ इतनी सारी हैं, बहुत समय ले गई इनको खिलने में, क्योंकि हमारे पौधे में ज़्यादा जान नहीं है, इसलिए मैंने सारी कलियों को काट दिया है। लेकिन जब आपकी कलियाँ खिल जाएं, तब आप इसको 2 इंच नीचे से कट कर दीजिए स्टेम को, जिससे कि हमारी और भी नीचे नीचे से काफ़ी सारी स्टेम निकलेंगी और पौधा घना हो जाएगा। यदि आप सोच रहे हैं कि खाली ऊपर से फूल ही तोड़ दें, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो ऊपर वाली पत्ती है, टिप वाली, बस वहीं से ही स्टेम निकलेंगी, तो हमारा लंबा लंबा चला जाएगा पौधा, इसलिए थोड़ा नीचे से काटिए। अब डालते हैं फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र बहुत ज़रूरी है भाई, हम भी बादाम छुआरे खाते हैं तो इनको भी खिलाना है, तभी अच्छे से फूल देंगे। उसके लिए कॉफ़ी पाउडर, इसको पानी में घोल दीजिए। दूसरा है चाय पत्ती, ये 2 चीज़ इनकी फेवरेट है। इनको आप चाहें तो उबाल कर दे सकते हैं ठंडा करके, और या फिर आप उसको पूरी रात के लिए या 24 घंटे के लिए पानी में घोल कर रख दीजिए, और उसके बाद अगले दिन थोड़ा सा साफ़ पानी मिलाकर और अपने पौधे में दे दीजिए। दूसरा है, इसको प्याज बहुत पसंद है, मतलब प्याज नहीं, प्याज के छिलकों का पानी इसको बहुत पसंद है। आप इस पानी को 24 घंटे के लिए छिलकों को भिगो कर रख दीजिए, और उसके बाद इस पानी को थोड़ा सा पानी और मिलाकर अपने पौधे में दे दीजिए। इसमें जब भी फ्लावरिंग हो रही हो, फूल खिल रहे हों, आप उस समय देते रहिए, चाहे कौन सा भी महीना चल रहा हो, आपको बस फूलों पर ध्यान देना है। गर्मियों की बात करें तो वैसे तो ये प्लांट समर सीज़न का ही है, लेकिन जब जून का महीना आता है, भयंकर तेज़ धूप,
उस समय में थोड़ा सा इसकी केयर कर लेते हैं। वैसे तो ये पूरी गर्मी बहुत अच्छे से चलता है और इसको धूप भी बहुत अच्छे से चाहिए, पर इसकी मिट्टी को यदि हम ढक दें तो थोड़ा और ज़्यादा बेस्ट रहेगा। हमारी जो इसकी मिट्टी में जड़ें हैं वो गर्म होकर झुलस जाएंगी, तो उसको बचाना है। बस पत्तियों पर धूप लगती रहे 3-4 घंटे की काफ़ी है, और जब तेज़ गर्मी पड़ रही हो तो ये ठंडा वाला फर्टिलाइज़र दे दीजिए। हमारे पौधे कूल रहेंगे। एलोवेरा और तरबूजे के छिलकों का लिक्विड बनाइए और इस पानी को अपने पौधे में दे दीजिए। कीड़ों के अटैक की बात करें तो ये इस पौधे पर वैसे तो कोई कीड़ा लगता नहीं है, लेकिन अगर आसपास किसी पौधे पर कोई कीड़ा है तो इस पर ज़रूर आ जाता है। तो इसको पहले तो अपने कोई और पौधा जिस पर कीड़ा लगा है उससे दूर कर दीजिए, अदरवाइज़ इस पर लगेगा ज़रूर। पर ये वाला कीड़ा जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, स्पाइडर माइट्स, जो मकड़ी का सा जाला बनाता है, ये वाला कीड़ा सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। पूरे पौधे को खाकर ही दम लेता है, जब तक बांधता ही नहीं है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, पत्तियों के नीचे की साइड में कीड़े रहते हैं तो पत्तियों के नीचे से हमें स्प्रे करना है। अगर ये वैसे कीड़ों को गर्मी थोड़ी पसंद है तो आप फ्रिज के पानी का इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा सा स्प्रे कीजिए तो ये कीड़े भाग जाएंगे। और जो इफ़ेक्टेड पार्ट है जहाँ पर कीड़ा ज़्यादा लग रहा है उसको कट करके फेंक दीजिए, और उसको बिल्कुल बाहर फेंक देना है, अपने गार्डन में कहीं भी नहीं रखना है, वरना ये दूसरे पौधों पर लग जाएगा। ठंडे पानी का बहुत अच्छे से स्प्रे करिए, और जब गमले में ये पानी भर जाए, रुक जाए, तो इसको निकाल दीजिए टेढ़ा करके, और काफ़ी अच्छे से 2-3 दिन लगातार इस पर ठंडे पानी का स्प्रे कर दीजिए, और धूप से इस पौधे को थोड़ा सा हटा दीजिए, क्योंकि इस कीड़े को गर्मी पसंद है, और जब की धूप लगेगी तो ये और ज़्यादा इसको मज़ा आएगा। इस एक एक पत्ती के नीचे उल्टा कर करके उसको स्प्रे करिएगा, क्योंकि पत्तियों के नीचे ही ये कीड़े छुपे बैठे रहते हैं। और एक ट्रीटमेंट ये करिएगा, एक डब्बे में पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा शैम्पू डालिए, और एक सॉफ्ट सा कपड़ा लेकर जितनी भी पत्ती और स्टेम है उसको इस तरह से पोंछ दीजिए। जितने भी इस पर चिपके होंगे सभी हट जाएंगे, क्योंकि स्प्रे से भी कुछ रह जाते हैं। अगर ये वाला ट्रीटमेंट करेंगे तो 90% आपके कीड़े हट जाएंगे और पौधा जिंदा बच सकता है, अदरवाइज पौधे के बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो इसको ट्रीटमेंट को करिए, यदि ये भी काम नहीं करता है तो मार्केट से एक पेस्टिसाइड खरीद कर ले आइए और उसका स्प्रे करिए, तो ये 100% मर ही जाएगा। तो इससे बचा के रखिएगा, अदरवाइज़ हमारे पौधे को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बहुत अच्छे से ये चलता रहता है, सालों साल काफ़ी अच्छे से ये ग्रो करता है, पूरे साल फूल देता है, बस ठंड में इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। विंटर में इसका डॉर्मेंट टाइम आ जाता है, तो विंटर में हमें क्या केयर करनी है, सबसे ज़्यादा जगह पर जहाँ पर धूप आ रही हो ऐसी जगह पर इसको रख दीजिए, ऊपर से ग्रीन शेड लगा दीजिए, और इसमें जब तक फूल आते रहें इसमें थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र देते रहिए। वैसे तो फूल आना सिर्फ बंद होंगे जनवरी के महीने में, जब कोहरा पड़ना शुरू हो जाता है, अदरवाइज़ इसमें पूरे साल ही फूल आते रहते हैं, बस एक महीने के लिए थोड़ा सा सो जाता है। और सभी पौधे सोते हैं तो ये भी सोएगा थोड़ी बहुत दिन के लिए, एक महीने के लिए, और उसके बाद फिर से ये ग्रो शुरू हो जाएगा, ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा, नई नई पत्तियाँ आने लगेंगी, नए नए फूल आने लगेंगे, फरवरी से इसमें ग्रोथ आ जाएगी। आप चाहें तो फरवरी के टाइम में इसमें हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, जिससे कि हमारा पौधा घना हो जाएगा, क्योंकि उस समय पर स्टेम थोड़ी खाली हो जाती हैं तो हमें कट करने में दर्द भी नहीं आता। जब बहुत सारी पत्तियाँ आ जाती हैं तो कट करने में बहुत दर्द आता है। दूसरी प्रूनिंग का टाइम होता है बरसात के समय में, उस समय कट करते हैं तो पौधा बहुत जल्दी जल्दी से बढ़ने लगता है। वीडियो यदि यूजफुल लगी हो तो लाइक किए बिना मत जाइएगा, बहुत मेहनत लगती है। पहली बार देख रहे हो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपको हमारी वीडियो फिर से नज़र आ जाए, अदरवाइज़ तो हम गुम ही हो जाएंगे। यूट्यूब में बहुत सारी भीड़ जमा है और हम कब को मिलेंगे ही नहीं। बाय बाय।